दोस्तों फिल्में तो काफी आती हुई दिख जाती है, लेकिन अब बड़ी फिल्मों की बात ही कुछ और होती है। तो ऐसे में अब डंकी और सालार के बाद कौन सी बड़ी फिल्म जो कि थिएटर्स में दस्तक देने वाली है, तो ऐसे में यहाँ पर सबसे पहला नाम तो आ जाता है फिल्म कल्कि का, क्योंकि इस फिल्म की रिलीज डेट जो कि आगे बढ़ाई नहीं गई और इसमें प्रभास की फिल्म अभी भी जनवरी सेकेंड वीक में ही फाइनल है। लेकिन यहाँ पर यह भी पक्का है कि ये फिल्म आगे बढ़ती हुई दिखेगी। और इसी के साथ ऋतिक रोशन की फाइटर जो कि बन रही है आगे आने वाली सबसे बड़ी फिल्म। जस्ट या नेक्स्ट ऐसी एक्शन फिल्म जिसका सभी काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हैं तो वो है फिल्म फाइटर। और इसमें उसके यहाँ फाइटर तो काफ़ी ज़बरदस्त लग भी रही है। और इतना ही नहीं, ये फिल्म भले ही हमें 2024 के शुरुआत में देखने को मिले, लेकिन यह कहा जा सकता है कि यहाँ पूरे ईयर इस फिल्म की बातें होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म क्रिएट कर सकती है काफ़ी मेगा रिकॉर्ड्स। और इतना ही नहीं, ये ऋतिक की भी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन सकती है। जस्ट यहाँ सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है और इस फिल्म की स्टार कास्ट ही इतनी ज़्यादा बेहतरीन है। और यहाँ सिद्धार्थ आनंद तो है ही इस फिल्म को शानदार बनाने के लिए। तो जहाँ एक तरफ लंबे चौड़े वक्त बाद ऋतिक रोशन एक बार फिर से एक्शन मोड में हमें दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पहले ही काफ़ी लंबे वक्त बाद ऋतिक हमें फिल्म वार में दिखे थे एक्शन करते हुए, और अब एक बार फिर से ऋतिक कुछ उसी अवतार में हमें दिखेंगे फिल्म फाइटर में। तो इसे में अब यहाँ पर वेट किया जा सकता है फिल्म फाइटर का, क्योंकि ये फिल्म रहने वाली है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।